नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉरपोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी क्या क्या मेरी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। ये कहानी है एक गाँव की। एक गाँव था जो किसी भी तरह से शहर से कनेक्टेड नहीं था, मतलब उस गाँव के लोग ना तो कभी गाँव से बाहर जाते थे, ना कभी कोई शहर का व्यक्ति गाँव में आता था। मतलब एक तरह से वो ब्लॉक्ड एरिया था और उस ब्लॉक एरिए में बहुत सारे लोग रहते थे, जीव जंतु पशु सब रहते थे। तो वहाँ पर था एक गधा और गधे के साथ एक दुर्घटना ये थी कि उस गधे को हर व्यक्ति सामान लाद लाद कर सुबह से शाम तक परेशान कर देता था। अब गधे ने सोचा कि मैं इस समस्या से कैसे इजाद पा सकता हूँ, और वो गधा एक दिन जंगल के रास्ते जाने लगा और चलते 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 गधा गांव पार करके शहर में पहुंच गया। मतलब गधे ने एक बहुत अच्छी जर्नी की और वो शहर में पहुंच गया, लेकिन लौट कर कभी गांव में वापस नहीं आया। तो गांव के लोगों को पता चला कि गधा जंगल के रास्ते शहर में पहुंच गया है और शहर में जाकर वो वापस नहीं आया, क्योंकि वहां वो बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव के बाकी जानवर भी जाने लगे। गधा जिस रास्ते से गया था उसको सूंघते सूंघते कुत्ता भी शहर चला गया। ऐसे करते करते बाकी जानवर जाने लगे। तो जब कोई एक ही रास्ते पर बार बार चलते हैं ना, तो वहाँ पगडंडी सी बन जाती है। तो गांव के कुछ लोगों ने देखा कि यहाँ ऐसी पगडंडी बंधी हुई है जहाँ से हम आसानी से शहर पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारे युवा साथी भी उसी पगडंडी के सहारे शहर में चले गए। उन्होंने बहुत अधिक काम किया, मेहनत की, तरक्की की। तो उनमें से कुछ युवाओं ने कहा वहाँ की गवर्नमेंट से कि आप यदि हमारे शहर से हमारे गांव तक एक रास्ता बना दें तो आसानी से शहर के लोग गांव आ सकते हैं और गांव के लोग शहर जा सकते हैं। तो वहां की सरकार ने निर्णय किया कि ये रोड बनाना चाहिए और कुछ अधिकारियों को सर्वे करने के लिए भेजा। और सर्वे करने के लिए जब अधिकारी गांव में आए तो गांव के लोगों ने सजेस्ट किया कि ये जो पगडंडी है, ये जो रास्ता उस गधे ने बनाया था और बाकी लोग वहीं पर जाने लगे और रास्ता बन गया, आप इस रास्ते पर ही सड़क बना दें। तो वो अधिकारियों ने कहा हमने सर्वे किया है कि यहाँ से जो रास्ता गया हुआ है वो एक बहुत लंबा रास्ता है, शहर पहुँचने का और शॉर्टकट रास्ता बनाया जा सकता है जो हमने ढूंढ लिया। फ्रेंड्स, यही बात हम लोगों पर लागू होती है। हम में से बहुत सारे लोग बिना गुरु के, बिना मेंटोर के केवल एक राह पकड़ के चलते जाते हैं। तो बहुत सारे लोग उन लोगों को फॉलो करते हुए जिन्होंने बहुत लंबा समय तय करके वो सफलता हासिल की है, उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि यदि आप उनके अनुभव को समझ के, उनसे ज्ञान प्राप्त करके रास्ता चुनेंगे तो आप कम समय में ही वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में मेंटोर ज़रूर बनाएं, गुरु ज़रूर बनाएं, क्योंकि गुरु को ये पता होता है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और जब आप गुरु के बनाए गए पद चिन्हों पर चलेंगे तो आप हर सफलता कम समय में हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी बुक्स पढ़ें, क्योंकि दुनिया के सफलतम लोगों ने किताबों में अपने जीवन का सारा रहस्य लिख दिया है। ज़रूरत है तो उस रहस्य को ग्रहण करने की। उदाहरण के लिए, यदि धीरूभाई अंबानी की तरह आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं तो धीरूभाई अंबानी की जीवनी के साथ साथ उनके अनुभव की लिखी हुई किताबों को भी ज़रूर पढ़ें और अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझें। मेंटोर ज़रूर बनाएं, क्योंकि मेंटोर ही आपको आपकी सफलता तक पहुंचा सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।